तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रीब और आप देख रहे हैं टेक रीब। दोस्तों, जो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं जो बेस्ट स्मार्टफोन है 30,000 के अंदर जो अपकमिंग है, हम उनके बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। और सिर्फ दो स्मार्टफोन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ काफ़ी अच्छे आने वाले हैं 30,000 के अंदर। एक iQOO Z5 और Z5 Pro क्योंकि पूरी सीरीज है, और एक आपका मोटो S20 Pro। दोस्तों, अगर आपने जाने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, iQOO Z5 के बारे में सबसे पहले हम प्रोसेसर से बात करते हैं, क्योंकि उसकी की हाईलाइट है वो है उसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 778G, जो कि जो iQOO Z3 था उसके अंदर 768G था, तो उसके प्रोसेसर में थोड़ा इम्प्रूव किया है। और इसके अंदर जो आपको रैम देखने को मिलती है वो LPDDR5 वाली देखने को मिलती है, जो कि प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। वहीं स्टोरेज की बात करें तो आपको UFS 3.1 देखने को मिलेगी। पिछले जो iQOO Z3 था पिछली जनरेशन, उसके अंदर आपको UFS 2.2 देखने को मिलती थी। तो ये रैम और स्टोरेज के मामले में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बस इसके अंदर IPS डिस्प्ले बस ये प्रॉब्लम है, लेकिन फ़ोन काफ़ी अच्छा है और एक ऑलराउंडर फ़ोन ये बन जाता है अपनी परफॉर्मेंस वाइज। कैमरे की बात करें दोस्तों, तो iQOO इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रहा है, और बाकी आपको दो कैमरे और पीछे मिलेंगे, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। और इसके अंदर आपको सराउंड स्पीकर देखने को मिलेंगे, मतलब सराउंड डुअल स्पीकर हैं, स्टीरियो स्पीकर्स, एक ऊपर की साइड देखने को मिलेगा और एक नीचे की साइड। और दोस्तों, इसके अंदर आपको एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि 28,837 मिलीमीटर स्क्वायर के एरिया में है। ये आपको मिलीमीटर में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये छोटा ही होगा। दोस्तों, अभी iQOO Z5 के बारे में इतनी ही जानकारी आई है, और Z5 Pro आएगा कि नहीं आएगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक 5G फ़ोन होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, और ये प्रोसेसर जो है 2.4 GHz पर बेस्ड होगा। दोस्तों, आने के बाद पता चलेगा ये प्रोसेसर कैसा है। दोस्तों, अब जो मैं दूसरा फ़ोन आपको बताने जा रहा हूँ वो मोटो S20 सीरीज में से मोटो S20 Pro, और ये बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है इंडिया में 1 अक्टूबर को, और ये फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के टाइम पे लॉन्च होगा। और दोस्तों, ये फ़ोन ऐसा है मोटोरोला का, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके मैं आपको फीचर्स बताऊँगा तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन आपके पास पैसे भी होने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इसकी की हाईलाइट्स की बात करें दोस्तों, ये 5G फ़ोन है, इसके अंदर आपको 11 5G बैंड देखने को मिलती है, वहीं iQOO 7 में आपको 1 मिलती है, मतलब ये iQOO 7 को किल कर देगा। और इसके अंदर थिंक शील्ड मोबाइल प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे आपको सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी देता है, एप्पल सिक्योरिटी तो बात ही ना करें, हायर लेवल की सिक्योरिटी है, तो ऐसी इसके अंदर आपको थिंक शील्ड सिक्योरिटी देखने मिलती है। स्नैपड्रैगन 870 और LPDDR5 रैम देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर, और ये 5G रेडी फ़ोन है, और इसके अंदर 144Hz की 10-bit वाली E5 वाली एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोस्तों, iQOO 7 किल हो जाएगा अगर ये 30,000 की प्राइस में आता है तो। और दोस्तों, आगे बढ़े तो इसका कैमरा है, आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल का, प्राइमरी सेंसर 108 है, अल्ट्रा वाइड 8 है, और एक आपको देखने को मिलता है मैक्रो, जो कि है आपका 2 मेगापिक्सल का, और एक आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको एक देखने को मिलेगा, डुअल नहीं मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे कैमराज हैं इसके अंदर, और पीछे आगे बहुत मतलब iQOO 7 के ज़्यादा ही अच्छे हैं। और इसकी डिस्प्ले HDR10+ सपोर्टेड है, मतलब वेरीफाइड है, और इसका टच सैंपलिंग रेट 576Hz का है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, और 10-bit की डिस्प्ले है। दोस्तों, आप भी खुद सोच सकते हो कलर तो कितने अच्छे होंगे, और इसको आप अपने TV से और PC से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है। और ज़्यादा आपको वाईफाई ये सब कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दो ऐप हैं उनको आप सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर आपको क्वालकॉम इलीट गेमिंग भी देखने को मिलेगी, जो आपको गेमिंग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देगा, और 11 5G बैंड है, और ये पहला 5G का फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट में, और इस फीचर्स के साथ जो सबसे ज़्यादा स्लिमेस्ट होने वाला है 7.9 mm, काफ़ी ज़्यादा बदला होने वाला है। और स्टॉक एंड्रॉयड फीचर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि मोटोरोला हमेशा स्टॉक एंड्रॉयड देता है, और एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड होगा। दोस्तों, इसकी चार्जिंग की बात करें तो 4500mAh की बैटरी है, और 30W का चार्जर है, चार्जिंग थोड़ी कम है, लेकिन 30W काफ़ी ज़्यादा इनफ है। और दोस्तों, आपको दो कलर देखने को मिलेगा, मिडनाइट स्काई और एक और कोई क्लाउड कलर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, LPDDR5 UFS 3.1 870 10-bit वाली 144Hz वाली एक HDR10+ सपोर्टेड AMOLED डिस्प्ले दोस्तों, और 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा रियर में। दोस्तों, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर ये 30,000 की प्राइस में आता है तो जाहिर सी बात है OnePlus Nord 2, iQOO 7, OnePlus 9R और Realme GT किल हो जाएंगे इसके प्राइस को देखते हुए। दोस्तों, इस फ़ोन का आने का इंतजार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसे ही लॉन्च होगा वैसे मैं आपको वीडियो दे दूँगा। दोस्तों, ये तो आज की वीडियो, अगर आपको इन दोनों में कोई सा ये फ़ोन पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।